नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में मंगलवार को 33 संविदाकर्मी निकाल दिए गए। इसके साथ ही अस्पताल में ऑनलाइन पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम ठप हो गया, सभी कंप्यूटर बंद हो गए। व्यवस्था चरमराई तो अस्पताल प्रशासन ने 8 वार्ड बॉय से मैनुअल पर्चा कटवाया। 350 बेड वाले जिला अस्पताल में रोजाना करीब 2200 मरीज ओपीडी में इलाज कराने पहुंचते हैं। इस अस्पताल में ई हॉस्पिटल योजना संचालित है। इसके तहत हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर मरीजों की एंट्री होती है, ओपीडी के कंप्यूटराइज पर्चा काटा जाता है। ऑनलाइन पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम ठप होने पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने मैनुअल वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा, ई हॉस्पिटल परियोजना में जो पर्ची बनाने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर थे उनकी सेवाएं का एक्सटेंशन नहीं प्राप्त हुआ है। 30 सितंबर तक उनकी सेवाएं थीं और कुछ UPHSSP के कर्मचारी थे जिसमें 7 रजिस्ट्रेशन क्लर्क थे, कुछ और एक एक दो दो विभिन्न तरह के कर्मी थे, उनके लिए भी एक्सटेंशन नहीं प्राप्त हुआ है। उनकी सेवाएँ आज से बंद हो गई हैं और रजिस्ट्रेशन का कार्य हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मी जो इस कार्य में दक्ष हैं, लिखने पढ़ने वाले हैं, उनको लगाकर मैनुअल रजिस्ट्रेशन का कार्य लिया जा रहा, संपादित किया जा रहा। मैनुअल पर्चे जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है या कंप्यूटर द्वारा पर्चे बनाने के लिए जब तक हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कोई व्यवस्था नहीं होती है, शासन से निर्देश नहीं मिलता है, तब तक जनहित में जो हमारे चिकित्सालय में आने वाले मरीज हैं उनको पर्चे बनाना आवश्यक है, तो उनकी पर्ची मैनुअल विधि से बनाई जा रही है। अभी एक महीने की किसी की नहीं बढ़ाई गई है। अभी जो भी हमारे पास बजट प्राप्त हुआ है NHM के द्वारा उनको अगले 6 महीने के लिए प्राप्त हुआ है, तो अन्य जो कर्मी हैं वो अभी यथावत कार्य करते रहेंगे।